जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता का एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में भी अमूल्य है। इसमें अष्टावक्र महर्षि और राजा जनक के बीच का संवाद है। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध कराते हैं। आज हम अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का पाठ और व्याख्या करेंगे। अष्टावक्र कहते हैं तब बंधन है जो मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। अब आत्मबोध कराने के बाद बंध और मोक्ष की अष्टावक्र जी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बंध भौतिक नहीं है, चेतना मन विचार को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य अपने देह अभिमान के कारण से, वासनाओं इच्छाओं के कारण से बनता है, फिर दुखी भी होता है। दुख का कारण वह स्वयं है। काम क्रोध लोभ आदि इसी के फल हैं। ना शरीर बंधन है, ना उसके कर्म, ना मन, ना विचार बंधन, सिर्फ वासना ही बंधन है। तब मुक्ति है जो मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं चित्त की शांत अवस्था ही मोक्ष है। हम सब हमेशा मोक्ष की बातें करते हैं, चार पुरुषार्थ की बात करते हैं और अंतिम में मोक्ष। मोक्ष शरीर के बाहर जो भौतिक जगत है वह संसार नहीं है, मनुष्य के अंदर एक और जगत है। इसी के अनुसार ही बाहरी जगत दिखाई देता है। दुखी व्यक्ति जगत को दुखी महसूस करता है। जो अंदर से खुश है, आनंदमय है, वह बाहर के जगत को भी सुखी समझता है। एक राजा ने एक नाई से, जो उनकी हजामत करने आया, पूछा, बोलो मेरी प्रजा कैसे रहती है? उसने कहा सबके पास बहुत धन है, सोने की अशर्फियां भी हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। राजा समझ गया, उसने अगले दिन उसकी चोरी करवा दी और फिर पूछा नाई से, बोलो मेरी प्रजा कैसे रहती है? तब वह कहता है बहुत दुखी है, क्योंकि आज वह खुद दुखी है। मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान का नाम नहीं है, इस शरीर से मरकर हम सिद्ध लोक में बैठ गए, बल्कि ये चित्त की शांत हुई अवस्था ही है। मोक्ष की चाह में संसार छोड़ना, आनंद की खोज में चलना, ये मोक्ष नहीं है। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये दृष्टि ही वासना का रूप है, अतः चित्त जब सभी दृष्टिकोण से, चाहे संसार की हो, स्वर्ग की हो, चाहे मोक्ष की हो, अनासक्त हो जाता है, तभी मोक्ष है। चित्त जब अनासक्त हो जाता है तब आत्मा के साथ एक हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, समाप्त हो जाता है। जब चित्त आत्मा में मिल जाता है तब कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे कि चने को यदि हम भून दें तो उसमें अंकुर नहीं आते हैं। आत्म रूप होने पर चित रहता ही नहीं, फिर वासना का बीज कैसे रह सकता है? जब तक मैं और मेरा का भाव है तब तक बंधन है, जब मैं और मेरा का भाव नहीं तब मुक्ति है। ये जानकर ना कुछ त्याग करो ना ही ग्रहण करो। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं का भाव है तभी तक बंधन है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। ये सारा उपद्रव अहंकार के कारण से हुआ, उसने अपने आप को सब कुछ मान लिया। जब मैं का भाव नष्ट हो गया तो ना विचार पैदा होंगे, ना इच्छा, ना वासना, ना ग्रहण, ना त्याग। जब तक व्यक्ति अपने आप को आत्मा से अलग मानेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। क्रोध काम अंदर से उठने वाली तरंगे हैं, उनको साक्षी भाव से देखने पर अपने आप लीन हो जाएंगी,
कुछ समय के लिए हो सकता है क्रोध आए, आप देखेंगे ही नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। अपने अंदर होने वाले सभी भावनाओं को साक्षी भाव से देखें, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।